ये इंदौर की वो तस्वीरें हैं जहां डॉक्टरों की गलती ये थी कि वो कोरोना स्क्रीनिंग के लिए सैंपल लेने गए थे। सारी दुनिया जिस समय डॉक्टर को भगवान मानकर पूज रही है, इतिहास याद रखेगा कि हिंदुस्तान में ऐसे भी लोग थे जो उन्हें पत्थर मार रहे थे। बता दें कि इंदौर में अब तक 17 लोग पॉजिटिव पाए गए, वहीं 4 लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसके बावजूद भी लोग कोरोना को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है। जानकारी के मुताबिक घटना दोपहर 1:15 बजे टाट पट्टी पाखल की है। सिलावटपुरा में एक कोरोना पॉजिटिव की मौत के बाद यहां स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार स्क्रीनिंग कर रही है। संदिग्धों की जांच की जा रही है। इसी दौरान यहां लोगों ने उपद्रव मचाते हुए पथराव कर दिया। स्वास्थ्य विभाग की एक महिला कर्मी ने पुलिस को बताया कि बुधवार को एक पॉजिटिव के कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली थी, वो उसे देखने के लिए वहाँ गए थे। टीम ने जैसे ही उसके बारे में पूछना शुरू किया तो सामने से आए कुछ उपद्रवियों ने पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। टीम कुछ समझ पाती इसके पहले ही चेहरे पर रुमाल बांधकर कई लोग आ गए और चिल्लाते हुए पत्थर मारने लगे। इससे बचने के लिए महिलाएं और पुरुष स्वास्थ्यकर्मी व डॉक्टर अपनी कारों की तरफ भागे। पता चला है कि उनके साथ एक तहसीलदार भी मौजूद थे। उपद्रवी पथराव करते हुए गली से मेन रोड की तरफ भागे। स्वास्थ्यकर्मी कार से सीधे थाने की तरफ भागने लगे। बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्यकर्मियों के साथ बदसलूकी की गई हो। इससे पहले दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित मरकज की इमारत से बुधवार सुबह तक 2000 से ज्यादा जमातियों को बाहर निकाला गया। तबलीगी जमात के 167 लोगों को बसों के जरिए मंगलवार रात तुगलकाबाद क्वारंटाइन सेंटर से लाया गया था। इन्हें 2 जगहों पर रखा गया। दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि ये लोग कोरोना वायरस को हल्के में ले रहे हैं। ये लोग क्वारंटाइन सेंटर में जगह जगह जाकर थूक रहे हैं। यहाँ तक कि इन लोगों ने डॉक्टरों और देखरेख में जुटे स्टाफ को गालियां तक दी और उन पर थूका भी।